गुड मॉर्निंग बच्चों, नामदेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और जैसे अपन इलेवेंथ में देख रहे हैं तो खैर इलेवेंथ की सिलेबस में कोई भी कटौती नहीं है बेटा। जो भी कटौती है वो ट्वेल्थ की और टेंथ की सिलेबस में है। तो आपको तो बिल्कुल जो सिलेबस है पूरा पढ़ना है। तो मैं आप लोग को चैप्टर वन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं कल आपको बताया था रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं और उसे संतुलित करने की चार विधियां हैं, उस विधियों को भी मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर बेटा? लेकिन आज का मैं जो टॉपिक लिया हूं वो है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो आज का मेरा जो टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। नियम मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मैं आज आप लोग को इसको पांच ठो नियम है बेटा, हमारी केमिस्ट्री में पांच ठो नियम है और पांचों नियम में से एक नियम एग्जाम में पक्का आता है। ठीक है, तो इसकी खोज 1789 में लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब आप लोग को मैं इसको बिल्कुल रटवा डालूंगा, सीधी सी बात है बेटा। उसने क्या अध्ययन किया, उसने क्या रिसर्च क्या किया? तो उसने किया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों का द्रव्यमान उस क्रिया से बने क्रियाफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कुल मिला के उसने बोला जितना हम नष्ट करेंगे उतने ही अमाउंट में हमको नया चीज मिलेगा। ठीक, मतलब आराम से सुनना, इन्होंने बोला किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों का द्रव्यमान उस क्रिया से बने क्रियाफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब अब उसने एक और परिभाषा बताया, द्रव्य ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। तो मैं अलग तरीके से आप लोग को बताता हूं, अगर मेरे को खाना पकाना है तो मैंने उसमें 5 किलो आलू डाला और 5 किलो मैंने टमाटर डाला, तो मेरा जो भोजन तैयार हुआ, जो सब्जी तैयार हुआ, वो मेरा ना तो 9 किलो का था और ना तो 11 किलो का, 10 किलो का ही था। इससे क्लियर, हमने 5 × 5 = 10, हमने 5 किलो आलू डाला था और 5 किलो टमाटर, अगर वो 9 किलो बनता तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा। उसने बोला किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले, तो रासायनिक क्रिया में कौन कौन भाग ले रहे हैं? आलू और टमाटर। क्रिया से बने उत्पाद क्या? सब्जी। दोनों का द्रव्यमान 5 × 5 = 10, क्रिया से बने क्रियाफल का द्रव्यमान के बराबर होता है। आपको मैं रटवा डालूंगा बेटा। हाँ, उसने एक और बोला, द्रव्य ना तो नष्ट होता ना उत्पन्न, केवल रूप बदलता है। इसका मतलब टमाटर था और आलू था तो वो ना तो 11 किलो का हो गया, द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ, ना तो 9 किलो का हुआ, ना तो द्रव्य नष्ट हुआ, केवल रूप बदल गया। पहले कच्चा था, पक गया, रूप बदला, उसने रूप बदल दिया। ठीक, मान लो मैंने किया, सुनना ध्यान से, मैं 5 किलो आलू 5 किलो गोभी और 5 किलो टमाटर का सब्जी बना रहा हूं, तो आप लोग बताइए कितने किलो का सब्जी बनेगा? 15 किलो। साइंटिस्ट ने बोला भाई ना 15 किलो। द्रव्य ना तो उत्पन्न हुआ, उत्पन्न कब होता? जब 16 किलो का बन जाता।
द्रव्य ना तो नष्ट हुआ अगर 14 किलो का होता, उसने अपना रूप बदल दिया। पहले आलू कच्चा था, पक्के सब्जी बन गया, सब मिक्सिंग हो गए, सब रूप बदल दिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, दो परिभाषा है बेटा, दो परिभाषा आप ध्यान से सुनना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्रिया से बने पदार्थों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यह है बराबर, यह क्रिया कारक है, क्रिया कारक, और ये है क्रिया फल। राइट बेटा, फिर उसने एक और परिभाषा दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बोलते हैं इसको, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्य उत्पन्न हुआ और ना तो नष्ट, केवल रूप बदला, और बदला है बेटा। पहले कच्चा कच्चा था, बढ़िया पका के खा लेंगे। पहले 15 किलो का था, अभी भी 15 किलो का है। अगर 16 किलो का हो जाता या 14 किलो का हो जाता तो वह इस नियम का पालन नहीं। तो उसने एक प्रयोग भी किया लेवोजियर नामक साइंटिस्ट ने, जिसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। उसने एक कांच का बोतल ले लिया, कांच का बोतल, और कांच के बोतल में नीचे में निचले सतह पर उसने रेत भर दिया, रेत, और रेत में फास्फोरस का टुकड़ा भर दिया, फास्फोरस का, और अब क्या किया, उसके मुंह को ढक दिया, कस दिया, और उसका उसने वजन को तौल दिया। सपोज मेरे हिसाब से इसका वजन 20 किलो। अब जब ऑक्सीजन अंदर चला गया है, अब जब हमने इसको गर्म किया तो यहां पे ऑक्सीजन भी है, फास्फोरस और ऑक्सीजन, फास्फोरस पेंटोक्साइड बना देती हैं। कल बैलेंस करने का तरीका सिखाया था, फास्फोरस पेंटाकोलर राइट। अब जब उसने देखा पूरा जला दिया, अब जलाया तो P2O5 का धूम्र बना, जलाया जब उसने ना तो P2O5 का धूम्र बना, फ्लेम बना, मतलब पूरा फास्फोरस जल गया, पूरा फास्फोरस P2O5 में बदल गया, पूरा फास्फोरस P2O5 में बदल गया। मतलब ये क्रिया कारक है, क्रिया कारक, और ये क्रियाफल, क्रियाफल। तो उसने पाया इसका जो वजन जो शुरू में तौला था क्रिया करने के पहले, इसके वजन के बराबर निकला। उसने प्रयोग करके भी दिखाया कि एक गोल चपटे फ्लास्क के निचली सतह पर रेत ले लेते हैं और एक फास्फोरस का टुकड़ा रख देते हैं, अब उसके मुंह को ढक्कन से कस देते हैं, कस के गर्म करते हैं, तो फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटोक्साइड बना दिया। जब सारा फास्फोरस और सारा ऑक्सीजन P2O5 में कन्वर्ट हो गया तो उसको ठंडा करके फिर तौला, तो साइंटिस्ट ने पाया जितना वजन पहले था उतना वजन अभी भी है। तो उसने बोल दिया जो मेरा नियम है वो सही है, किसी रासायनिक क्रिया में क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान क्रिया से बने उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है, ना तो द्रव्य नष्ट होता है ना तो उत्पन्न, केवल वो रूप बदल दिया। पहले फास्फोरस था ऑक्सीजन, लेकिन रूप किस रूप में चला गया, वो P2O5 के रूप में चला गया। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार मैं आज आप लोगों को द्रव्यमान संरक्षण का नियम बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है, शायद आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अपने मित्रों, अपने सारे मित्रों को आप बोलिए कि तत्काल नामदेव क्लासेस में संपर्क करके एडमिशन चालू कर दिए। क्लियर बेटा? ओके, गुड नाइट।